खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां विजयदशमी का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया, लेकिन लोगों में कोरोना को लेकर मायूसी भी देखी गई। कोविड 19 के कारण हर वर्ष की भांति इस वर्ष कई जगहों पर रामलीला नहीं हुई तो कई जगह पर मेले का आयोजन नहीं हो सका। वहीं बाहुबली सेना के मंडल अध्यक्ष बलदेव शुक्ला ने दशहरे के इस पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए पराली न जलाने का संदेश दिया और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं वह भी बताया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता मनोज दुबे से बातचीत के दौरान की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय जो है मैं आजमगढ़ जिले के निजामबाद थाना क्षेत्र सोनरी गांव में हूं। यहां जो है बाहुबली सेना के मंडल अध्यक्ष बलदेव शुक्ला जी के आवास पर हूं और आइए जो है इनसे हम बात करते हैं। आज जो है दशहरे और पराली के जो है जलाए जाने पर इनका क्या कहना है, क्या संदेश है देशवासियों को, आइए हम इनसे बात करते हैं। हाँ सर, बताइए, आज जो है इस जैसे कि धान का इस समय जो है सीजन चल रहा है, धान की कटाई चल रही है, तो इसमें जो है जो मशीन के द्वारा जो है जो काटा जा रहा है धान और इसके बाद जो है उसकी पराली जला दे रहे हैं लोग, जबकि जो है डीएम साहब का सख्त आदेश है कि इसको जो है जलाया ना जाए, तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आज शुभ दशहरा, सत्य असत्य पे सत्य की विजय पे हम पूरे अपने मंडल वासियों को भरपूर बधाई देते हैं, जिसमें कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। और रही बात जो इस समय खरीफ के कटाई की बात चल रही है, आप उसमें विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि जो हम लोग कटाई कंबाइन से करवा रहे हैं, हार्वेस्टर मशीन से लगभग आप 90% कटाई चल रही है, उसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि अपने पराली को ना जलाएं। पराली जलाने पे वहां के प्रधान को, किसान को, जो हार्वेस्टर है हार्वेस्टर मालिक को भी दिक्कतें हो रही हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। आज ठीक है, आज हम पराली जलाते चले जा रहे हैं और उत्पादन लेते जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि वो जमीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, कोई पैदावार नहीं होगी और हमारे जो बच्चे या बच्चों के बच्चे होंगे वो बिल्कुल भूखों प्यासे और तड़पने लगेंगे। तो हम लोग विशेष ध्यान दें कि जो बड़ी हार्वेस्टर हैं उनमें जो एसएमएस का उपयोग किया जा रहा है, एसएमएस वाली मशीन से ही हार्वेस्टिंग कराएं अपनी, और जो छोटी मशीनें हैं उसके साथ विशेष ध्यान दें कि यदि मल्चर का उपयोग जरूर कराएं खेत में, इससे आपका एक तो उत्पादन के साथ साथ पराली जलाने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और यदि अगली फसल आप जो भी ले रहे हैं, चना मटर या गेहूं की फसल जो भी ले रहे हैं, उसमें डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल आधा कर दीजिए, आपका कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो। जहां आप कह रहे खर्चा हमारा बढ़ जा रहा है, ठीक है खर्चा बढ़ जा रहा है, एसएमएस लगने से उसका भी थोड़ा कंबाइन मशीन वाले का भी खर्चा बढ़ गया है और जो छोटी कंपनी का मल्चर लगाने से उसका खर्चा बढ़ ही गया है, तो जितना खर्चा बढ़ रहा है उसको आप मैनेज करने के लिए डीएपी यूरिया कम कर दीजिए, उत्पादन आपका बहुत अच्छा होगा, इसका विशेष ध्यान रखिए। और रही बात रबी की सीजन की, रबी में आप इस तरह का चुनाव करें अपना कि कैश क्रॉप का उत्पादन लें, और कुछ प्रजातियां जैसे आ गई हैं डीबीडब्ल्यू 187 और ब्लैक व्हीट काला गेहूं, जिसको जिसका क्रेज स्टार्ट हुआ है, विशेष तौर से इसका उत्पादन ले आप। काला गेहूं का उत्पादन तो ठीक है, अच्छा है, मगर उसका मार्केट वैल्यू बहुत अच्छा है, लगभग 40 से 45 रुपए केजी बिक जाएगा। किसान बंधुओं, आप लोग विशेष तौर से अपना ध्यान रखें, आप ही के ऊपर पूरा देश निर्भर है, आप नहीं तो पूरा देश खत्म हो जाएगा, क्योंकि भूखों लोग मरने लगेंगे। तो यह कहते हुए आज फिर दोबारा मैं दशहरे का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, नमस्कार।